नमस्कार, बोल क्लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सबसे एक बार फिर मेरी अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ साझा करें, फॉरवर्ड करें व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए, ताकि आप और हम मिलकर गोदी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडा को धराशायी कर सकें। और आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं ना, उस पर गौर कीजिएगा। आखिर क्या वजह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात हो, उनके चाटुकारों की बात हो, उनके समर्थकों की बात हो, वो लोग हमारे देश के बारे में, हमारे देश की सेना के बारे में चाहे जितना भी अनाप शनाप बकदे, मीडिया उस पर कभी डिबेट नहीं करता, उस पर कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। और मैं क्यों कह रहा हूं, इस पर गौर कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर यह है कंगना रनावत, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है, मगर आजकल जो इनकी पहचान यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की कट्टर समर्थक हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी भक्त हैं, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। मगर मुद्दा वो नहीं है, उन्होंने क्या कहा मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। वो इस ट्वीट के जरिए कह रही हैं कि जिस तरह से मुझे शिवसेना के सांसद संजय राउत ने धमकी दी है कि अगर तुम्हें मुंबई पसंद नहीं है या मुंबई पुलिस पसंद नहीं है तो वापस चले जाओ, मुंबई से चली जाओ। इससे ये लग रहा है जिस तरह से मुझे धमकी दी जा रही कि मुंबई पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जैसा बन गया है, या कम से कम मुझे ऐसा आभास हो रहा है। कंगना रनावत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ मुंबई की तुलना कर डाली। यह अपने आप में अप्रत्याशित है। कल्पना कीजिए, यही बात आमिर खान ने कही होती, शाहरुख खान ने कही होती, नसीरुद्दीन शाह साहब ने कही होती, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया में इस पर 24 घंटे डिबेट्स होता, उन्हें देशद्रोही बता दिया जाता, जैसे पहले भी किया जा चुका है, और कई जगह पर एफआईआर दर्ज हो जाते। मगर कंगना रनावत के सामने किसी भी न्यूज चैनल ने किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा। और मैं आपको बताता हूं ये क्यों चिंताजनक है। आपको गौर करना पड़ेगा भारत के मानचित्र पर, और भारत के मानचित्र पर अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भी भारत के कश्मीर का हिस्सा बताया गया है, क्योंकि हमने संसद के अंदर यह प्रण लिया था कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, उसे भी हम भारत में शामिल करेंगे। मगर दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह जानकारी जिसके मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इस वक्त 55 आतंकवादी शिविर हैं, जिनमें एक अनुमान के मुताबिक कम से कम 5,000 आतंकवादी जो हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन्हीं आतंकवादियों को भेजा जाता है भारत के अंदर टेरर अटैक्स करने। कंगना रनावत ने इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ मुंबई की तुलना कर डाली है। इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ हमारे मुंबई पुलिस की तुलना कर डाली है। और जब कंगना रनावत को यह याद दिलाया गया कि कल्पना कीजिए कंगना, अगर यही बात आमिर खान ने कही होती तब आप क्या करती, तो इसके जवाब में कंगना ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। कंगना ने कहा कि जब आमिर खान और उनकी पत्नी ने असहिष्णुता पर, इनटॉलरेंस पर अपनी बात रखी थी, उस वक्त किसी की हत्या नहीं हुई थी, उस वक्त किसी ने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ड्रग कार्टेल को एक्सपोज नहीं किया था। उन्होंने यह तक भी कहा कि उस वक्त किसी ने भी किसी को देश छोड़ने के लिए नहीं कहा था। कंगना रनावत, आप कितनी भोली हैं या कितनी मासूम हैं मैं नहीं कह सकता, मक्कार शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता, मगर मैं आपको बता दूं कि जब आमिर खान ने इंडियन एक्सप्रेस के रामनाथ गोयनका अवार्ड्स के समारोह में वो बात कही थी जिसको लेकर उन्हें लगातार निशाना भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था, तो मैं क्यों उन्होंने वो बात कही थी मैं आपको बतलाना चाहता हूं। इन चेहरों पर गौर कीजिए, अखलाक, पहलू खान, जुनैद, इन तमाम लोगों को बिल्कुल तालिबानी अंदाज में, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान मौत की सजा सुनाता था लोगों को, उसी तरह से इन लोगों को मौत की घाट उतारा गया था। जी हां, न सिर्फ इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था, बल्कि इन्हें इंसाफ आज तक नहीं मिला है, और इनकी हत्या करने वाले खुले छूट गए। चलिए, ये 3 मुसलमान थे। इस शख्स पर गौर कीजिए, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हो जाती है, भीड़ हत्या कर देती है, और इनमें से जो एक हत्या का आरोपी था उसे भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ सम्मानित करती है बल्कि उसे पार्टी में भी शामिल कर देती है, और उसके बाद जब बवाल होता है तब वो यू टर्न ले लेते हैं।
अब एक और तस्वीर पर गौर कीजिए, आप जयंत सिन्हा को देख रहे हैं। जयंत सिन्हा यहां पर मॉब लिंचिंग के जो गुनहगार हैं, आरोपी भी नहीं गुनहगार हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। अब इस तस्वीर पर गौर कीजिए, योगी जी की 2019 की लोकसभा चुनाव से पहले रैली है और यहां पर सबसे आगे वाली पंक्ति में अखलाक की हत्या के आरोपी बैठे हुए हैं। जी हां कंगना रनावत, जब आप यह कहते हैं ना कि आमिर खान ने अगर इंटॉलरेंस की बात की तो उससे पहले किसकी हत्या हुई थी? हत्या तो ढेरों हुई थी, मगर सबसे ज्यादा चिंताजनक बात कि जिस पार्टी की आप पैरवी करती हैं उसी पार्टी के नेता हत्यारों को सम्मानित करते हैं, उसी पार्टी के नेता इस तरह से उन्हें कंधे पे चढ़ा के घूमते हैं। दिक्कत यह है, इसलिए आप में और आमिर खान में यह बड़ा फर्क है। और कंगना रनावत ने उस ट्वीट में यह भी कहा था कि इससे पहले किस व्यक्ति को देश छोड़ने के लिए कहा गया था। मैंने कहा ना कंगना, या तो आप बहुत भोली और मासूम हैं या फिर आप जानबूझकर चीजों पर गौर नहीं करते। 2014 सत्ता में आई ही थी भारतीय जनता पार्टी और इस शख्स गिरिराज सिंह ने यह कह दिया था कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे वो पाकिस्तान चले जाएं। यही नहीं, पिछली बार 2015 में जब बिहार के चुनाव हो रहे थे तब उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था कि अगर जीत कांग्रेस और आरजेडी और नीतीश कुमार की हुई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। जी हां, पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, इतनी बड़ी बात कही थी। और आपने कंगना रनावत बहुत ही सुविधावादी तरीके से इन बयानों को नजरअंदाज कर दिया। जी हां, मुझे आपकी मासूमियत पर तरस आता है, मुझे आपकी सुविधावादी राजनीति पर तरस आता है। और आज जो आप मुंबई पुलिस को गाली दे रही हैं ना, मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ ही महीनों पहले की बात है, आपने मुंबई पुलिस की मंच से तारीफ की थी। और ये जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं ये आप ही के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। सुनिए उस वक्त कंगना रनावत जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे मुंबई पुलिस की किस तरह से तारीफ कर रही थी, सुनिए। सो नाइस टू बी हियर, इस शाम का हिस्सा बनकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि जो मुंबई पुलिस है हमारे लिए अपना सारा वक्त देती है और हमारे लिए जो करती है उसके बदले में बहुत ही छोटा एक इट्स अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम आवर एंड, सो इट्स रियली नाइस टू बी हियर। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं दिल्ली में भी रहा हूं, नोएडा में भी रहा हूं, मुंबई में भी जाता रहता हूं बीच बीच में। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जब मुंबई पुलिस की आलोचना कंगना रनावत ने की थी और जिसके जवाब में संजय राउत ने कहा था कि अगर आपको मुंबई पुलिस पसंद नहीं है तो मुंबई छोड़ के चले आइए, मेरे हिसाब से गलत है। और मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि बतौर नागरिक हमें पूरी आजादी है अपनी पुलिस की आलोचना करने के लिए। सिर्फ इसलिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप दिल्ली पुलिस की आलोचना नहीं करेंगे या उत्तर प्रदेश पुलिस की आलोचना नहीं करेंगे। उसी तरह से कंगना को आजादी है मुंबई पुलिस की आलोचना करने के लिए। जी हां, उसी तरह से मुझे और हर शख्स को यह आजादी है जब वो देखता है कि जेएनयू में गुंडे अंदर गुंडई कर रहे होते हैं, तोड़फोड़ कर रहे होते हैं और दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी होती है, या फिर जामिया के अंदर खुद सीसीटीवी कैमरे तोड़ रही होती है दिल्ली पुलिस छात्रों को तोड़ने के अलावा। हमें इस तरह की पुलिस की हरकतों की आलोचना करने का हक है। और बात यहां नहीं रुकती है, मुंबई पुलिस अगर कुछ गलत करे तो हम उसकी आलोचना करें, मगर आपको मैं एक तथ्य बताना चाहता हूं, मुंबई ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां अकेली लड़की रात को 12 बजे घर लौट सकती है, रात को 3 बजे घर लौट सकती है। उसे अपनी जान को लेकर, अपनी इज्जत को लेकर कोई खतरा जो है नहीं लगता। मेरी ढेरों फ्रेंड्स हैं जो मुंबई में रहती हैं, जो मुंबई में रहा करती थी, अब वो नोएडा में हैं, अब वो दिल्ली में हैं, और वो मुझे दोनों शहरों का फर्क बताती हैं। ये खासियत है मुंबई की और इसका श्रेय दिया जाना चाहिए मुंबई पुलिस को। कंगना रनावत, अगर आज की तारीख में आप मुंबई पुलिस की आलोचना कर रही हैं तो उसके पीछे सिर्फ सियासत है और कुछ नहीं। और मैं आपको एक्सपोज कर चुका हूं, आपको मैं एक्सपोज कर चुका हूं आपके दोहरे मापदंड को लेकर जो आपने मुंबई पुलिस के बारे में कहा था। आपको मैं एक्सपोज कर चुका हूं जब आपने कहा था कि जब आमिर खान ने इंटॉलरेंस की बात की थी तब किसकी हत्या हुई थी। जी हां, शहरों में बयार थी हत्याओं की,
गाय के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर। और यही नहीं, मॉब लिंचर्स को, हत्यारों को सम्मानित कर रहे थे वो पार्टी के नेता जिसकी आप पिट्ठू हैं, जिसके लिए आप लगातार मंच पर खड़ी हो जाती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो दोहरे मापदंड है ना, ये मुझे क्यों खटकता है मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर नसीरुद्दीन शाह साहब है। नसीर साहब ने सिर्फ इतना कहा था कि जब बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह सुरक्षित नहीं है तो मेरे बच्चे कैसे सुरक्षित होंगे। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब ये घटना हुई थी तब उनकी आलोचना बाबा रामदेव ने की थी, अनुपम खेर ने की थी। अनुपम खेर ने यह तक कह दिया था कि भाई कितनी आजादी चाहिए, आप सेना को भी गाली दे सकते हैं, सबको गाली दे सकते हैं। और ये वही अनुपम खेर हैं, इनकी फिल्म आई थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो देशभक्ति की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर क्या आप जानते हैं जब इनकी फिल्म आई थी तब इन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा था कि पाकिस्तान में यह फिल्म रिलीज हो रही है, आप बड़ी तादाद में जाकर यह फिल्म देखिए। तब इनकी देशभक्ति कहां जाती है? मैं स्पष्ट कर दूं, अगर आप पाकिस्तान के अंदर अपनी फिल्म का, अपने बुक का, अपने सीरियल का प्रचार कर रहे हैं तो इसमें देशद्रोह नहीं है, मगर मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारों की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पर। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो अक्षय कुमार, ये जो अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह पे उंगली उठाते हैं, आमिर खान पे उंगली उठाते हैं, वो कितने गलत हैं और उनके किस कदर दोहरे मापदंड है। यही मुद्दा मैंने बोल के लब आजाद है तेरे में आज से कई महीनों पहले, साल से भी ऊपर उठाया था। सुनिए, मैं चाहूंगा कि आप अक्षय कुमार का टोरंटो में दिया गया ये बयान सुनिए। This is my home. Toronto is my home. After I retire from this industry, I'm going to come back here and stay here. तो क्या कह रहे हैं इसमें अक्षय कुमार? अक्षय कुमार ये कह रहे हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो अपने सारे धन के साथ टोरंटो में सेटल हो जाऊंगा। मित्रों, कल्पना कीजिए, यही बात आमिर खान या शाहरुख खान ने कही होती तो हम उनसे क्या कहते कि बेटा खाते भारत की हो और गाते टोरंटो की हो। तो जब अक्षय कुमार या ये लोग हमें देशभक्ति का संदेश देना तो कम से कम आप उनके इस बयान को जरूर याद कर लें। अब हम रुक करते हैं उस शख्स की तरफ जिन्होंने बाकायदा नसीर साहब को कहा है कि तुम्हें और कितनी आजादी चाहिए। वेंसडे में ये दोनों एक साथ थे, यानी कि अनुपम खेर और नसीर साहब, और अनुपम खेर ये कहते हैं कि साहब इस देश में आप सेना प्रमुख को गाली दे सकते हैं, आप सेना पर पत्थर मार सकते हैं, तुम्हें और कितनी आजादी चाहिए। तो आज मैं आपके सामने एक फैक्ट रखने वाला हूं। क्या आप जानते हैं कि इन्हें पुणे स्थित फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया था और ये वहां पर 12 महीने भी नहीं रहे। 1974 के बाद सबसे कम इस पद पर रहने वाले अनुपम खेर हैं। मगर क्या आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अनुपम खेर साहब ने कहा कि अमेरिका में मेरे कुछ एक्टिंग असाइनमेंट्स हैं, लिहाजा मैं वहां पर रुक नहीं सकता, इसलिए मुझे अमेरिका जाना है। अब सोचिए, यही तर्क अगर नसीरुद्दीन शाह ने दिया होता कि मेरे अमेरिका में असाइनमेंट है लिहाजा मैं FTII छोड़ के जा रहा हूं, तो उन्हें क्या क्या नहीं कहा जाता। मगर क्या इनको कुछ कहा जाता है? नहीं कहा जाता। कंगना रनावत, क्या आप जानती हैं आप में और आमिर खान में फर्क क्या है? जब आमिर खान ने अपनी पत्नी की चिंता, किरण राव जो कि एक हिंदू हैं, उनकी चिंता को जाहिर किया था एक सार्वजनिक मंच पर, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस कदर उन्हें टारगेट किया था कि स्नैप डील के साथ उनका करार टूट गया था। और स्वर्गीय रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने बाकायदा एक स्पीच में कहा था कि किस तरह से हमने आमिर खान के करार को स्नैपडील के साथ तोड़वा दिया था। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल लगातार लगा हुआ था स्नैपडील को टारगेट करने में। और उस वक्त आमिर खान ने जो चिंता जाहिर की थी उन घटनाओं को लेकर की थी जिन घटनाओं से दुनिया भर में भारत की बदनामी हो रही थी। आमिर खान ने सिर्फ इतना कहा था। इसलिए जब आप ये तमाम बातें करती हैं ना तो आपकी बात कतई हजम नहीं होती है। अब इस बयान पर गौर कीजिए। यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आमिर खान के बारे में कहा था
कि आमिर खान देश छोड़कर चले जाएं, उनके जाने के बाद देश की आबादी कम हो जाएगी। ये सांसद रह चुके हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, मगर इस देश में एक व्यक्ति को संबोधित करने की जो गरिमा होती है ना, उससे कोसों दूर हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ये फर्क है। इस तरह से टारगेट किया जाता है आमिर खान को, नसीरुद्दीन शाह को। लिहाजा इस तरह की रुदाली आप कतई ना करें कि आपके साथ बुरा हो रहा है। एक तो मैं समझ नहीं पाता हूं इस बॉलीवुड रुदाली गैंग को। सत्ता आपकी है, आप चाहे जो मर्जी करें, मगर फिर भी आपका 24 घंटे रुदाली चलती रहती है। क्यों? क्या यह बतलाने का आप प्रयास करेंगे? दोस्तों, बहुत दुख होता है। इस वक्त देश एक आर्थिक ज्वारभाटा से गुजर रहा है, हम लोग एक आर्थिक ज्वालामुखी में दफन होते जा रहे हैं, मगर इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जीडीपी रसातल में चली गई है, देश में नौकरियां न के बराबर हैं। लोगों की जहां नौकरियां लगी हुई हैं, उनकी सैलरीज कट रही हैं, उनके बच्चे हैं, मगर इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। उल्टा या तो सुशांत सिंह राजपूत पर झूठी, जहरीली और घटिया खबरें चलाई जाती हैं, या फिर इस तरह से लोगों को मुद्दों से हटाया जाता है, या फिर टाइम्स नाउ की खबर देखिए, ये इनकी हर साल इस तरह की खबर आ जाती है। और इस खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपकी खबर वाकई सच्ची है और गंभीर है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में यह खबर क्यों नहीं आई? अगर यह खबर इतनी बड़ी है और हर बार इस तरह की खबरों के साथ ये लोग आ जाते हैं, आज से कुछ महीनों पहले बिल्कुल यही खबर के साथ ये लोग आए थे। और मैं जानना चाहता हूं कि अगर यह बड़ी खबर है तो हर अखबार या हर न्यूज चैनल पर क्यों नहीं चल रही है? यानी कि जब भी मैं देखता हूं कि किसी ना किसी संकट में ये सरकार है या ये पॉलिटिकल पार्टी है, तो इनके जो पिछलग्गू न्यूज चैनल हैं इस तरह की खबरों के साथ आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर हम सबकी चिंताएं हैं, हम सबको चिंतित होना चाहिए अगर ऐसा कोई खतरा मौजूद है। मगर हर बार ये न्यूज चैनल इस तरह की खबरें लेकर आते हैं जिसका कोई जमीन नहीं, जिसकी कोई आधार नहीं, जिस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान होना चाहिए ना, नहीं होता। दिल्ली पुलिस की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से कोई बयान होना चाहिए, सीबीआई की तरफ से कोई बयान होना चाहिए, नहीं होता है। तो हर बार मैं देखता हूं जैसे ही सरकार किसी ना किसी दबाव में होता है, यह खबर जो है अवतरित हो जाती है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि इस रुदाली गैंग से बचिए, क्योंकि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए न सिर्फ शहरों को टारगेट करें, हमारे सम्मानित शहरों को टारगेट करें। अगर मैं इन्हीं के शब्दों में बात करूं, महाराष्ट्र किसकी जन्मभूमि है, किसकी कर्मभूमि है? शिवाजी महाराज की। और मुंबई उसका दिल है, मुंबई उसकी राजधानी है। अगर किसी ऐसे अभिनेता ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थक ना होता, अगर उसने मुंबई की तुलना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कर दी होती, तो यहां पर तो शिवाजी की अस्मिता का सवाल पैदा हो जाता, मगर पूरे इस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। तो अगली बार देश की अस्मिता की बात मत करना, तुम्हारे बयान खोखले हैं, तुम झूठे हो, और चाहे महाराज शिवाजी या देश के बारे में जो तुम चिंता जाहिर करते हो ना, उसकी कोई जमीन नहीं है। सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है तुम्हारा राजनीतिक स्वार्थ और उसके अलावा कुछ नहीं। खैर, बोल के लब आजाद हैं तेरे में, बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।